नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं राहु देव के अचूक उपाय, क्योंकि कलयुग राहु देव का युग माना जाता है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट डराते हैं, राहु ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी एक देवता है, आपके कर्मों का फल देने आए हैं। लेकिन फिर भी उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, कौन से वो उपाय हैं जो आप इजिली कर सकते हैं, हमें बताएंगे आकाश चौहान जी कैलगरी कैनेडा से। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आकाश जी स्वागत है आपका, और मार्गदर्शन करें लोगों का राहु जी के विषय में और उनके उपाय के विषय। जी रोहित जी, मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मेरा काम है कि मैं इजीली समझाऊं लोगों को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी काम प्रेजेंटेशन से ही शुरू करूँ। तो जी उससे जी क्या होगा, जी ईच एंड एवरी पॉइंट जब आप देखते हो तो आप ज्यादा, और जब मैं पढ़ता भी हूँ तो मैं लिख के पढ़ता हूँ, मैं नोट्स मेरी पूरी भर जाती है, या आप मेरी बुक देख सकेंगे, आप बोलेंगे कि क्या करते रहता हूँ मैं पूरी नोट्स भर भर के लिख के लिख लिख के मैंने ओ, ये पूरा। आपकी सीक्रेट पोथी जहां से सारा ज्ञान निकल के बाहर आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राहु देव की। ये देखिए राहु देव आपकी स्क्रीन पर। जी मैंने एक छोटा सा ये प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की कि राहु देव के ना डरा डरा के लोगों ने परेशान कर दिया है। सो हम बात करते हैं कि पराशर ऋषि राहु के बारे में क्या सोचते हैं। जी राहु से डरने की जरूरत है रोहित जी, राहु से डरने की जरूरत है, पर इतनी डरने की जरूरत नहीं कि आप कांपे उसके कि राहु आ गया, मैं परेशान हो गया। आपकी जो जेब में बटुआ है और उसके अंदर जो पैसा है वो राहु है। सो राहु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहु कलयुग में, राहु शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह ही केपेबल है आपको धन देने के लिए, राइट? मैं आपको एक राइट एग्जांपल देता हूँ रोहित जी। आपके जी घर के बाहर फरारी खड़ी हो या आपके घर के बाहर एक गाय खड़ी हो, तो आप जुपिटर को अपने घर के अंदर लेके आएंगे कि आप शुक्र को अपने घर के अंदर लेके आएंगे? आज का युग तो लोग शुक्र के तरफ जाएंगे। मैं पर्सनली चाहूंगा कि हाँ गाय आ जाए, गौ मैं भी यही माता, चाहूंगा, हम गुरु वाले लोग हैं, हम तो गाय को अंदर लेंगे। लेकिन फिर भी रोहित जी ये चैलेंज की बात है कि हम गाय नहीं पाल पाएंगे। हमें कुछ आइडिया, हमें हम गाड़ी की सर्विस करा लेंगे जाके, पर हम गाय नहीं पाल पाएंगे। सो हमें ये ध्यान देना है कि कलयुग में, कलयुग इज द युग ऑफ राहु। ये साल 2023 केतु का साल है। तो एक जी और यहाँ पे टिप है कि अध्यात्म से जुड़े रहेंगे जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा साल जाएगा ये। इसके लिए भी हम, मैंने वीडियो, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, वो हम नेक्स्ट करेंगे। पर अब राहु के अचूक उपायों के बारे में बात करते हैं। जी ये 30th अध्याय, 30वां अध्याय है बृहत परिशारा होरा शास्त्र का। पराशर जी ने जी खुद लिखा है, राहु है स्मोकी अपीरियंस। बहुत डिटेल वाली बात है रोहित जी, राहु है स्मोकी अपीरियंस, मतलब राहु अगर आप धुएं को इस बॉटल में डाल देंगे तो धुआं ये बॉटल बन जाएगी। वेर एवर यू स्टोर अ गैस, गैस टेक्स दैट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें साइंस में पढ़ाया गया था। तो राहु एक स्मोकी अपीरियंस गैस है जिसका फिजिक ब्लू कलर का है, लाइक लॉर्ड शिवा, लाइक लॉर्ड कृष्णा, इनका फिजिक ब्लू था, ब्लैक, ब्लैकिश ब्लू। राहु कहाँ रहते हैं? राहु जंगलों में रहते हैं, और राहु हॉरिबल है, उसको देख के आदमी डर जाए, राइट? राहु का जो जी टेम्परामेंट है, राहु का टेम्परामेंट है विंडी टेम्परामेंट, और राहु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। तभी कहते हैं कि राहु जिनके पहले घर में आ जाए उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतना उनका दिमाग तेज हो तरीके से जाता है। चलता है। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि पराशर जी ने जो यहाँ पे हमें बताया है वो ये बताया कि राहु की स्मोकी अपीयरेंस है, मतलब राहु जिस घर में बैठेगा उस घर के लॉर्ड का रिजल्ट ही देगा आपको। अगर वो किसी के साथ कंजंक्ट कर लेता है, जब जैसे गुरु चंडाल योग की ही बात कर ले, तो वो गुरु के रिजल्ट्स देगा, वो आपको खराब रिजल्ट्स नहीं देगा। ये सब लोग अपने मन से निकाल दे, इस खराब रिजल्ट होगा, ये होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, गुरु के साथ बैठे। अरे गुरु का भी तो कोई काम है ना, गुरु आपको बचाएगा ना कहीं ना कहीं। तो राहु से डरे ना, बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैंने लिखे हैं राहु के, बहुत सिंपल उपाय रोहित जी। राहु बेसिकली अगर आपके 12वें घर में बैठ जाए, आपके 8वें घर में बैठ जाए, आपके थर्ड हाउस में जो दुष्टानास में बैठ जाए ना, वो अगर 3, 6, 8 एंड 12, तो यहाँ पे राहु ना आपको डराता है। राहु आपको
आपको डर लगता है अननेसेसरी, रात को नींद नहीं आए, डर गए, ओ क्या करे क्या करे, डर गए, डर के उठ गए। तो यहाँ पे ये उपाय है कि एक चंदन का टुकड़ा ले और उसको अपने गले में नीले धागे में धारण करे, राइट। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, इसका साइंटिफिक उपाय भी है। अगर आप चाहिए तो आप जैसे गूगल, तो आजकल गूगल बाबा ही सब कुछ है, गूगल कर लीजिए कि चंदन जो राहु का प्लैनेट से एसोसिएटेड है वो स्किन डिजीजेस, गैस्ट्रिक डिजीजेस, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, फीवर, ये सारी चीजों से भी लाभ देता है। इनफैक्ट जो ये दवाइयां होती है आयुर्वेद, उसमें चंदन का प्रयोग भी होता है, और चंदन को हिंदू संस्कृति में बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। उसका रीजन है चंदन हमारे बदन को ठंडक देता है। रोहित जी, अब पूछो एक बात मुझसे या मैं आपको बताता हूं कि जो जी सर पे तिलक लगाया जाता है चंदन का, वो क्यों लगाया जाता है? जी बताइए, हम तो रोज जाते हैं सुबह मंदिर, भगवान शिव को लगाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? ये जो क्यों है ना, लगाते ये हमारी थर्ड आई है, और यहाँ पे हम ना हैं? बहुत स्ट्रेस लेते हैं। कुछ भी हुआ तो हमें ओहो, सबसे पहले हमें यही स्ट्रेस होता है, ओहो ओहो हाय यार क्या हो गया। यही पार्ट ना सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है, और यही पार्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी बसी हुई है हमारी थर्ड आई में। अब जब हम मेडिटेशन योगा करने बैठे तो बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई, अपने थर्ड आई चक्र को देखो। तो जब हम चंदन यहाँ पे लगाते हैं तो हमारी थर्ड आई शांत होती है, तो साइंटिफिकली हमें यहाँ पे से हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसलिए साधु संत यहाँ पे चंदन लगाते हैं ताकि उनको क्रोध ना आए, उनको क्रोध ना आए, इसीलिए वो यहाँ पे चंदन लगाते हैं। तो इसी तरह चंदन लगाने से डर, मन का डर और बहुत सारी चीजों में हमें बेनिफिट मिलता है। तो जी राहु का ये उपाय है। जो लोगों को भी जनरली भी सफरिंग है कि गुस्सा बहुत आता है या डर बहुत जल्दी लग जाता है, ये ऐसे भी लोग हैं कि जी जो बोलेंगे चलो आ जाओ मैदान में देखेंगे तुम्हें चीर फाड़ देंगे, लेकिन 5 मिनट जी बाद वो डर के बैठे होंगे कि लोग तो नहीं बाहर आ गए, ये वैसे लोग हैं। राहु भ्रम में डालता है, आपको भ्रमित करता है। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड में लिखा है कि राहु फॉरेस्ट में घूमता है, वो स्मोकी अपीरियंस का है, भ्रम, जहां भी भ्रम होगा वहां पे धुआं होगा, राइट। तो हमें ध्यान जी देना। अब रोहित जी, हम सेकेंड उपाय आपको बताता हूँ। ये ऐसे उपाय जो ना, ये बाकी के पंडित की तरह नहीं कि जाके पानी में ये डाल दो वो डाल दो ये हाँ कर हाँ दो, हाँ नो 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 नो, ये सात्विक उपाय। अमावस्या, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है अमावस्या के टाइम पर। अमावस्या के टाइम पर राहु, जब जब आसमान में कोई लाइट नहीं होती, जब आसमान एकदम अंधेरा होता है, तब राहु एक्टिव होता है, क्योंकि राहु को नफरत है लाइट से। इसीलिए जब भी राहु सूर्य और चंद्र के पास आ जाते हैं, ग्रहण हो जाते हैं, राइट, उसको लाइट से नफरत है। तो अमावस्या के दिन राहु का ये जो काम है, ये करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा और नेचर के लिए भी अच्छा है। आपने देखा होगा कि हर समुद्र तट पे आपको कोकोनट मिलेगा, कोकोनट के छिलके मिलेंगे, कोकोनट के पेड़ मिलेंगे, राइट। तो जब आप राहु की ये रेमेडी करेंगे तो इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो आपका राहु भी शांत हो जाएगा, और एक आपका, आप कहीं वो कोकोनट से प्लांट उग के कोई जगह पे पेड़ भी लग जाएगा आपके नाम का। राहु को बहता हुआ पानी भी कहा गया है, तो राहु को जब बहता हुआ पानी में कुछ, अगर उसको कुछ प्लीज करना है, अगर उसको कहीं, उसको हमें सात्विक तरीके से, कोयला डालने के बदले, फटकड़ी डालने के बदले, सात्विक तरीके से अगर राहु को हमें खुश करना है, तो हम कोकोनट ले और कोकोनट को अपने सर से वारे, या किसी घर के बुजुर्ग को बोले कि 4 कोकोनट लेके हमारे सर से वार दीजिए, और उसके जाके आप बहते पानी में विसर्जन करें उसका। इससे जो कोकोनट के अंदर के, जो कोकोनट थोड़ी देर में बहते पानी में टूट भी जाता है, तो उसके अंदर के जो भी खाने का सामान होगा, वो मछलियां या जो भी जल के अंदर है, वो खा के दे विल गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, और यहीं से राहु आपका शांत हो जाता है। ये राहु का रामबाण उपाय भी माना गया है, राइट। जी इसके अलावा रोहित जी, राहु ने और बहुत चीजों में हमें डिस्टर्ब करता है, राहु नींद का भी कारक है, क्योंकि जैसे हम अपनी आंख बंद करते हैं अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में क्या होता है, राहु एक्टिव। यहाँ पे वीक, जो राहु वीक होगा ना, तो ये सिर्फ स्लीपलेस नाइट्स नहीं देता है, बट ये कहीं कहीं लोगों को
राजा से रंक भी बना देता है, क्योंकि अगर आपकी नींद बराबर नहीं, अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है, तो आप कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। यू विल टेक रॉन्ग डिसीजंस, और राहु रॉन्ग डिसीजंस देने में बहुत स्मार्ट है वो, क्योंकि वो छाया ग्रह है, वो चाहता है कि आप रॉन्ग डिसीजन लो, राइट। सही कहा। अब आप रात को नहीं सो पा रहे, तो थोड़ा सा जौ यानी बार्ली अपने पिलो के नीचे रखे, और अगले दिन उससे जाके एक टेम्पल में कहीं पेड़ के नीचे चढ़ा दे, कोई कहीं जड़ के यहाँ डाल दे, उससे जौ के छोटे छोटे पेड़ उगेंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का खाना बनेगा, और किसी तरह वो नेचर को ही हेल्प होगी उससे। और दूसरा एक ये उपाय तो मैं अपनी वाइफ के लिए भी करता हूँ, क्योंकि उसका भी राहु भाग्य स्थान में बैठ के उसको सोने नहीं देता, ये है कि राहु सौंफ के दाने लीजिए, सौंफ के दाने को एक हरे कपड़े में डालिए और अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। इससे राहु आपको बहुत पीसफुल नींद देगा। सौंफ को राहु का उपाय माना गया है, बुध का भी उपाय माना गया है, लेकिन ये भी याद रखिए कि बुध और राहु परम मित्र है, तो बुध और राहु का उपाय ऑलमोस्ट सेम 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 ही है, राइट। जैसे पक्षियों को खाना देना राहु का भी उपाय है, और बुध का भी उपाय है, केतु का भी उपाय है, एक्चुअली ऑल इन वन है वो। और अब मैं वास्तु के चीज जुड़ा हुआ चीज आपको मैं बताता हूँ राहु से रिलेटेड, जो हम घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं, और हम इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो ना अर्थ एलिमेंट्स को डिनोट करता है, और राहु उसे रूल करता है, हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन को राहु रूल करता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस रीजन को बैलेंस करके रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से इस रीजन को बैलेंस करना चाहिए, ताकि इससे घर में खुशियां आए, घर में तरक्की हो। इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें ये सब ऑप्शंस है आपके पास। सबसे पहले हमें एक मट्टी का बर्तन लेना है, वो मट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी रख के हमें उसे साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख देना है। आप कंपस का यूज करें, आजकल आपके फोन में कंपस है, कंपस ऐप डाउनलोड करें, आप देखें किधर है आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर, और वहां पे आप एक छोटा सा मट्टी का बर्तन रख के उसके अंदर पानी डाल के उसको ढक के आप वहां रख दें, उसे पीना नहीं, उसे कुछ नहीं करना, बस रखा रहे। और अमावस्या अमावस्या दिन अगर आप को कर सकते हैं तो उस पानी को चेंज कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जस्ट कीप इट, सालों साल भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर पानी, बिकॉज वो मट्टी के बर्तन में, और हीट से अगर पानी कम हो जाए तो उसे भरते रहा करें। अगर दूसरी बात यह है कि मैंने अभी पहले ही कहा कि राहु है बहता पानी, रोहित जी राहु बहता हुआ पानी है, तो अगर राहु के लिए आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जो कि साउथ ईस्ट फेसिंग घर के लिए है, ध्यान से देखिए, अगर आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाके अगर आपने एक फाउंटेन लगा दिया तो आपके घर में पैसे की बारिश होगी, आपके घर में जो जिस तरह पानी बह रहा है उस तरह पैसा बहेगा आपके घर के अंदर, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और थर्ड ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अगर आप अपनी ज्वेलरी, अपनी मनी और अपनी फाइनेंशियल चीज सारी एक तिजोरी सी बनाकर साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रखे, तो वो मल्टीप्लाई होता है, आप वहां पे जो भी चीज रखेंगे मल्टीप्लाई होगा वो। जी राहु के लिए उपाय है, ये राहु का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स, राहुए नमः। ये है राहु का बीज मंत्र। इससे पावरफुल मंत्र राहु के लिए कुछ है नहीं, ये राहु का बीज मंत्र की माला की जाप करें, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे फायदे देगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स राहवे नमः। और जेनरिक उपाय है राहु के, जो बहुत सारे उपाय लाल किताब से मैंने कहीं कहीं से निकाले, जिस जिससे आपको हार्म नहीं होगा, राइट, ऐसे वाले सात्विक उपाय। अगर आप नहाते हैं तो उसमें हल्का सा दूध डाल के नहाएंगे तो राहु आपका शांत होता है, और ओम रंग राहवे नमः 43 डेज तक कंटिन्यू करेंगे तो राहु आपको आपका शांत होगा। इसको निचली राहु की महादशा में करेंगे तो अच्छी बात होगी। वैसे तो ये नहीं पहनना चाहिए आइवरी, क्योंकि ये हाथी को मारकर निकाला जाता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारी जगह पर जो आइवरी है, जिसे हम कहते हैं हाथी के दांत, वो कहीं कहीं जगह हमें ऐसे मिलते हैं जो हाथी को मारकर नहीं निकाला जाता है, जो अगर हाथी नेचुरली, जिसको कुछ जो नेचुरली इस दुनिया में नहीं रहा, उसका जो हाथी दांत है वो भी मिलता है हमें,
बट इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। ये अगर एकदम बहुत ऐसे कंडीशन में कि राहु ने आपको मेंटल अगर पागल कर दिया है, या पागल हो गए हो, या चीजें भूलने लगे हो, या आप यू आर लाइक गोइंग क्रेजी, ये एकदम वेस्ट वो टाइम पे ही उपाय करना चाहिए। रोहित जी, जितने भी सांप, जितने भी रेप्टाइल्स इस दुनिया में है, वो सब है राहुदेव, ठीक है? वो केतु और राहु है, और वो जितने भी रेप्टाइल्स हैं उससे पहले तो आप डरो, क्योंकि वो शिव जी के प्रिय है, और राहु और केतु शिव जी के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। तो 100% रेप्टाइल्स को कभी हार्म ना करे। घर पे सांप आया, हमने निकला, मार दिया, नो, राहु इज गॉन, खराब। जब भी राहु की अंतरदशा दशा आएगी, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, राइट? नाग लोक में भी राहु का बहुत बड़ा स्थान है वहां पे। तो राहु केतु क्या है? राहु केतु काल सर्प दोष देते हैं हमें, राइट? वो सांप है, रेप्टाइल है, वो कभी नहीं। एक स्क्वायर स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, इतना छोटा सा सिल्वर का पीस, एक्चुअली मेरा वॉलेट यही है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। एक स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर अगर आप हमेशा अपने पास रखे तो राहुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर मैं, मेरे पास हुआ तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा रोहित जी। जी स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर रखने से राहु इज, शायद मेरे पास नहीं है ये वाले वॉलेट में। मैं हमेशा एक स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर अपने साथ रखता था कि राहु की एनर्जी मेंटेन रहे। एंड राहु का जो स्टोन है वो है गोमेद, वो है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है राहु का स्टोन गोमेद, अगर आप ध्यान से देखें, ये गोमेद है, और ये दिखता है गौमूत्र की तरह, इसलिए इसका नाम गोमेद रखा है। तो गोमेद भी राहु का एक ऐसा अचूक उपाय है, जिनके राहु फेवरेबल है उनको गोमेद पहनना चाहिए, लेकिन भाई एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही पहने, ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा काम ना कर ले, क्योंकि कल ही हम लोग ने ऐसी कुंडली देखी है रोहित जी, याद है आपको? सही बात है, राहु पहना था जो बहुत डिफिकल्ट स्टेट से जा रहे थे, पहन डिजास्टर था उनकी कुंडली में, फिर भी राहु का नग पहन लिया। लिया था राहु, वो भी ग्रहण लगा के बैठा है और फिर भी नग पहना है, तो अनबिलीवेबल बात है। और इसी के साथ रोहित जी, मुझे ये मिल चुका है स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, आप देख सकते हैं, छोटा सा पीस ऑफ सिल्वर है ये, कोई भी सुनार के पास जाएंगे 100-150 रुपए का मिल जाएगा। अगर लोग विदेश में बैठे और ये चाहते हैं कि दे वांट दिस, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड हम आपको यहाँ कुरियर करवा देंगे। ये बहुत सिंपल चीज है। हाँ, और अगर कोई कनाडा में बैठा है तो आप तो हैं ही वहां पे। जी मैं हूँ, मेरे पास यहाँ पे अबेंडेंस में है, जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं मुझसे। एंड रोहित जी, आगे बढ़ते हुए, राहु ऑस्पिशियस जगह पे बैठेगा तो आपकी किस्मत बना देगा, उस आपको वो राजा बना देगा, राजा से भी ऊपर बना देगा। चाणक्य जी जो थे, उनका राहु इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने किंग बनाए। तो राहु इज अ किंग मेकर, राइट? सन इज अ किंग, बट राहु इज अ किंग मेकर। तो आप ध्यान दीजिए कि राहु किंग मेकर है, एंड फेम वेल्थ सब कुछ दिलाने वाला राहु देव ही है, और राहु देव है परम भक्त माता दुर्गा के। इसीलिए दुर्गा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर दुर्गा किसी को राहु बहुत परेशान कर रहा है कुंडली में, जी तो 10,000 उपायों का एक उपाय है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें रोज, और मैं गारंटी देता हूं कि राहु भला आपका बिल्कुल ना करे पर बुरा नहीं करेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा एकदम। इनफैक्ट दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण लगाकर करें अपने, अगर आप पंडित या किसी ब्राह्मण को पूछेंगे तो वो समझ जाएंगे संपूर्ण का मतलब, वो संपूर्ण लगाकर ही पाठ करें, ये बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो जी एक सेकंड में पानी पी लूं। थैंक यू, सॉरी। जी, आपने 8-10 घंटे बोलना होता है दिन में तो चलता है। और इसी के साथ अगर हमें, आप हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने राहु के विषय में बताया। और राहु देव, देखिए आप, कोई होते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर्स बहम डाल देते हैं, तो लोग जिन जो एस्ट्रोलॉजी को समझते नहीं है ना, वो राहु केतु शनि इन ग्रहों को बुरा बुरा बोलते हैं। आप गलती मत कीजिए। हाँ, ऐसे बोलते हैं नहीं, जैसे राहु उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है कि राहु ने मेरी हाल खराब कर दी। वो राहु देवता है भाई। देवता हैं, जैसे गुरु हैं, जैसे शुक्र हैं, जैसे शनि हैं, जैसे मंगल, वो भी देवता की उपाधि हासिल है, उन्हें भगवान की तरफ से नवग्रहों में रखा गया है। तो हमेशा जी साथ में लगाएं, उन्हें रिस्पेक्टफुली बोले, वो आपके दुश्मन नहीं है। राहु किसी को राजा भी बनाते हैं, करोड़पति अरबपति रातों रात बना देते हैं, और किसी को गिरा भी देते हैं, उनकी कोई गलती नहीं। जो उनको डिपार्टमेंट दिया गया है कि भाई हेलमेट लगाया है तो चलान
मत काटो, नहीं लगाया तो काट दो, इसमें पुलिस वाले की गलती है। तो इसी तरीके से आप रिस्पेक्ट जरूर करें सभी ग्रहों की, ये विनती है मेरी तरफ से। और बहुत शुक्रिया आकाश जी, आपने बड़े सरल तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो आकाश जी का नंबर लगातार नीचे होता है, मेल आईडी है, आप सही समय देख के संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो कनाडा में है, दिन रात का फर्क है 12 घंटे का, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आकाश जी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिससे लोगों का मार्गदर्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।